रोहित शर्मा, विराट कोहली, के राहुल को कर दिया है बीसीसीआई ने टीम से बाहर। आप सबको बता दे, भारत और श्रीलंका के बीच में दो सीरीज खेला जाएगा। पहला सीरीज होने वाला है T20 का, दूसरा सीरीज होने वाला है ODI का। क्या आप भी जानना चाहते हो कौन से प्लेयर को मौका मिला भारतीय टीम में श्रीलंका के साथ? वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे क्रिकेट मजेदार खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीरीज का पहला मुकाबला T20 का खेला जाएगा 3 जनवरी 2023। 3 जनवरी को ये मुकाबला शाम को 7 बजे भारतीय समय अनुसार शुरू करवाया जाएगा, जिसमें हार्दिक पांड्या कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। और प्लेयर की बात करें तो सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन और कई नए प्लेयर को मौका दिया है भारतीय टीम ने। T20 मुकाबले की बात करें तो हार्दिक पांड्या कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, सूर्य कुमार यादव को वाइस कप्तान बना दिया है टीम इंडिया ने T20 के लिए। ODI सीरीज की बात करें तो रोहित शर्मा कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, जिसमें विराट कोहली को भी मौका दिया है, के राहुल को भी मौका दिया है। खबर के मुताबिक आने वाले 50 ओवर के वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, रोहित शर्मा को भी कप्तानी से हटाया जाएगा। क्या टीम इंडिया ने सही किया कप्तान चेंज करके? हमें कमेंट करके जरूर बताना। आपका कौन सा खिलाड़ी फेवरेट है वो भी कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे क्रिकेट की मजेदार खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर दे और दिल से इस वीडियो को एक लाइक कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।